सुधर, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। पूरी दुनिया में आज ईद मनाई जा रही है। मुंब्रा शहर की कुछ खास ईद है आज, क्योंकि थाने सिटी पुलिस के जॉइंट सीपी दत्तारे कराड़े जी मुंब्रा शहर पहुंचे। ईद के मौके पर जनता के बीच उन्होंने चार चांद लगा दिए। किस तरह से मुंब्रा शहरवासी पुलिस से फूल लेकर खुश हो रहे हैं और किस तरह से मुंब्रा शहर के अंदर भाईचारा की मिसाल कायम की है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दी है। किस तरह से मुबारकबाद दी है, आइए देखिए हमारी इस खबर में। अभी इतने दिन से देख रहे हो, रमजान भी साथ में आया है, उसके साथ अपने हनुमान जयंती वगैरह इतना सब साथ में आया है, तो उन्हें कुछ पैगाम देने की जरूरत नहीं। वो आके खुद देख ले मुंब्रा में, मुंब्रा में आके देख लो कि क्या भाईचारा चल रहा है। और क्या जिसको नफरत फैलाना है बेशक फैलाए, अब किसी की जुबान तो अपन बंद नहीं कर सकते। अपना काम जो है अपन, ये साथ में खड़े हम लोग, इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते। हर साल की तरह इस साल भी मुंब्रा के वासियों ने पुरसुकून तरीके से ईद मनाया और यहाँ पर हर त्यौहार पूर्ण सुकून तरीके से मनाया जाता है। मुस्लिम त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर पुरसुकून तरीके से मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और ये संदेश सारे देश में होना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। अब्दुल्ला भाई कुछ बोलेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मुंब्रा की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा करम है अल्लाह का। यहाँ पे सब त्यौहार एक साथ में बनाते, एक दूसरे से मिलजुल के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा करम है। ये तो बच्चा है मेरा, इनके बापों से हमारी ताल्लुकात है। ये मुंब्रा के, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि अल्लाह का करम है कि मुंब्रा में ऐसा मोहब्बत से रहते लोग, ऐसी मोहब्बत से रहते। मैं नहीं समझता हूँ कहीं और, मैंने देखा भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा करम है। ये तो कुछ नेता लोग हैं कि इधर उधर लड़ाने के पीछू है, बाकी हमारे दिलों में हिंदू है या मुसलमान हो या क्रिश्चन हो, कोई भी जात का हो, हम लोग के दिल में कभी ना रिया ना इस्लाम ने बताया है। इस्लाम ने नहीं बताया, हम हमारा मजहब देखे, वो उनका मजहब देखे। और जो मुंब्रा को तोड़ने वाला है, अल्लाह उसको तोड़ेगा, अल्लाह उसको दिखाएगा। ये देख रहे हो माशाल्लाह, ये देखो, ये मस्जिद बाजू में है, देखो ये मुंब्रा मस्जिद है और ये माशाल्लाह ये ऊपर ऊपर मुंब्रा देवी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह, ये मुंब्रा की शान। ईद की नमाज हो रही है, हाँ ये ईद की नमाज हो रही है और इन लोग कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जयंती होती है, अल्लाह का करम, हम लोग खड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका धर्म उनकी, कोई मजहब नहीं बताता किसके मजहब में उंगली दिखाने के लिए। अभी सीधा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिए आप, पब्लिक को भी दिखाइए, इतनी पब्लिक है। ऊपर हमारे भी गाने चल रहे, जय श्री राम। वहाँ पे ये ईद की नमाज हुई तभी भी गाने चल रहे थे। हम किसी को बोलते नहीं कि भाई आवाज़ कम करो या हम हमारे हद में रहते, वो अपने हद में। भाईचारा ईद का तो मैं आके सब मिलके जा रहे हैं, हमें हम खुद देख रहे हैं, आके गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी हनुमान जयंती में जब हम जाते, मौलाना साहब हुए, सब हमारे इंतज़ार में रहते कि नहीं चलो पालकी अभी आने वाली, तो इससे ज़्यादा जवाब क्या देंगे। अब जिसको तोड़ना है वो सब देख लो, यही मुंब्रा शहर है, सबूत है, ये सबूत है। और ये एकता ही अपने को कायम बनाई रखनी है। कोई बाहर का आएगा, जो भी हो, पॉलिटिक्स वगैरह अपने को कुछ लेना देना नहीं। कोई अगर कुछ बोल रहा है कुछ, उसको जवाब नहीं देना है, उसको जवाब खुद आप लोग ही दे रहे हो, ये दिखा रहे हो। अब ये वीडियो तो जाएगा ही, वो देख के खुद उनको अपना अपना जवाब मिल जाएगा, तो अपन बोल के क्यों अपना ये करने का। अभी देखो, अभी आप भी बोले किसका नाम नहीं लेना या कुछ भी नहीं, अपना एक ही नारा जय श्री राम। आज मौलाना जी जाएंगे, सलाम वालेकुम, बस इतना बोल के चलते रहो। जिसको जो करना है करे, हम लोग हमारा काम करें ना, हम लोग हमारा काम करें। अगर ऐसा है, अभी ये अपना घर है बराबर, अपने घर का काम क्या है, अपन एक दूसरे को संभाल के ले। बाजू वाला आके बोलेगा भाई तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा है, तो अपन खाली सुन के छोड़ देने का। अपन उसके वजह से छोटे भाई को या बड़े भाई को कुछ बोलेंगे क्या, वही करना है। हाँ बोलो ना। हिंदुस्तान के अंदर अगर नारा है तो दो ही नारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक ही नारा है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो श्री राम, हम लोग अल्लाह वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, किसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, कोई भी आवे, किधर से भी आवे, थाना से आवे, हिंदुस्तान के कोई भी कोने से आवे, मुंब्रा को नहीं तोड़ सकता है। और जैसा मुंब्रा का मैसेज है वैसा हर जगह यही होना मांगता है। हाँ, सबको ईद मुबारक, जितने भी मेरे भाई है, जितने भी हिंदुस्तान के लोग है, सबको ईद मुबारक। हाँ, और जादों को तो गले मिलूंगा, आएगा तो मैं गले मिलूंगा। लूंगा मेरा भाई। हाँ, ये थोड़े बहुत ये 5 साल की राजनीति है मेरा भाई। हाँ, इसके आगे कुछ भी नहीं है, सब फना फिल्ला है। हाँ, मरना है ये सोच लेने का। हाँ, कोई भी तू मरेगा तो तेरे माँ बाप रोएंगे, मैं मरूंगा मेरे औरत बच्चे रोएंगे, तो कोई मतलब नहीं है मेरा भाई। माहौल खराब करने से कोई मतलब नहीं है। और मैं ये समझता हूँ अगर तेरा धर्म बताता ही है तो लाके बता दे, एसटी लाके बता दे, तुम लोग का धर्म बताता किसका भी, XYZ कोई भी आ जावे मेरे को बता दे कि उसका धर्म बताता ये करने का है, तो हम लोग एग्री है मेरा भाई हथियार डालने के लिए। अपना धर्म ही नहीं बता रहा, हमारी गीता भी नहीं बता रही है कि किसको बुरा बोलने का। अरे यहाँ कोई एक हिंदू को लाफा मार के हम नमाज नहीं पढ़ सकते यार, तो किसको हम बोल क्या सकते? हमारी क्या औकात है किसको बोलने की, हमारी क्या ताकत है? हाँ, कोई एक हिंदू को अगर तुम लाफा मार दो और वो रोता बैठा और तुम जाके नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हाँ, ये बात ध्यान रखो। उसका दिल दुख गया, वो अल्लाह के पास जाएगा डायरेक्ट। वो हिंदू और वो हिंदू ने मेरे को मार दिया और मैं मस्जिद में जाके रखा तो तू फना फिल्ला हो गया मेरा भाई। हाँ, ये मेरी बात ध्यान रखना, वो कोई भी होए XYZ। देखो, सबसे पहले तो अभी मस्जिद के बाजू में अपना मंदिर तो श्री शनि मारुति भक्त मंडल की ओर से मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को दिल से, मेरे दिल से, हमारे पूरे मंदिर के परिवार से ईद मुबारक। आपका ये साल भी आपका बहुत बढ़िया जाए, जैसे इतने का शुक्रिया। सर, खुशी का माहौल ईद का आज मुंब्रा शहर के अंदर। सर, आपका शायद ये पहला साल होगा मुंब्रा के अंदर, क्या महसूस कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की एकता इसी शहर के अंदर, क्या संदेश है आपके तरफ से? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सब भाइयों को ईद मुबारक बोलता हूँ, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इतना खुशी का दिन है और आप लोगों ने जो माहौल अच्छा रखा है, शांति का, अमन का रखा है, उसके लिए मैं आपका थाने पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन इतना अच्छा है कि आज रमजान ईद है, अक्षय तृतीया है, बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती है, शिव जयंती भी है। तो सब नागरिकों को, सब भारतवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसा ही अमन का स्वरूप रहे ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार, मैं सुधीर भगत। सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी परिवारों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य सुखमय हो, आपके परिवार में आने वाले ईद की जो दुआएं हैं वो सभी कबूल हो, साथ ही साथ आपकी दुआओं का असर मुझ पर भी हो और मेरे पूरे शहर पर हो। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस बार अभी के वक्त के लिए ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।